नमस्कार, मैं संगम विकास और आप देख रहे हैं टेक्निकल विकास टीवी। आपको मैं बता दूं कि ट्रेन टिकट जो है वो बुकिंग शुरू हो चुका है और बहुत लोग का ये कहना है कि ट्रेन का टिकट जो है वो बुक नहीं हो रहा है, अभी भी पहले जैसा ही रह रहा है। तो आपको मैं बता दूं कि सभी रूट में फ़िलहाल जो है कुछ तकनीकी खराबी के कारण, टेक्निकल इशू को लेकर के अभी सभी रूट पर बुकिंग नहीं हो रहा है। मैं अभी चेक कर रहा हूँ, यहाँ पर आप देख रहे होंगे नई दिल्ली से मैं रांची को मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ पर नई दिल्ली से चलिए मैं गढ़वा रोड अपना एक स्टेशन है उसको मैं सिलेक्ट किया, यहाँ पे डेट सेलेक्ट किया 12 को। यहाँ पे देखें कि नई बता रहा है आपको, और यहाँ से नई दिल्ली से मैं पटना जंक्शन को मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ तो पटना को भी नहीं बता रहा है, कोई पहले जैसा ही रह रहा है। 13 को भी वही आ रहा है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि सभी जगह अहमदाबाद को अभी देखा, हावड़ा को भी देखा, नई दिल्ली से कहीं भी हर जगह पे ऐसा ही आ रहा है। तो और आपको मैं दिखा दूँ, ये बुकिंग शुरू हो चुका है तो ये जम्मू तवी का मैं आपको दिखा रहा हूँ, 12 को ट्रेन नहीं है, 13 को ये टिकट ये बुकिंग हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे नई दिल्ली से जम्मू तवी का जो है वो बुकिंग हो रहा है। फिलहाल सभी रूट पर अभी बुकिंग नहीं हो रहा है कुछ टेक्निकल इशू से, जल्दी बुकिंग सभी जगहों पर ये ठीक कर दिया जाएगा। तो आप कोशिश करते रहिए, जैसे ही होगा आप टिकट बुकिंग कर लेंगे। देखेंगे कि नई दिल्ली यहाँ पर आ गया, नई दिल्ली से टाटा सॉरी जम्मू तवी स्पेशल ट्रेन यहाँ पे लिख करके आ रहा है, ट्रेन नंबर शो कर रहा है। यहाँ पे अपना कोच आप सेलेक्ट करेंगे, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, कौन सा कोच आप से कौन सा क्लास का आप टिकट बुकिंग करना चाहते हैं, फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, कौन सा एसी को आप सेलेक्ट करना चाहते हैं अपने हिसाब से करेंगे। थर्ड क्लास का एसी मान लीजिए हम बुकिंग करना चाह रहे हैं तो थर्ड क्लास में हम ओके करेंगे। यहाँ पे देख रहे होंगे कि 13 मई को यहाँ पे 2 सीट फिलहाल खाली दिखा रहा है, 14 मई को 2 सीट है, 15 को 359 सीट है। तो आपको जो भी डेट में आपको बुकिंग करना है वहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे, बुक नाउ का आप ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। मैं ऑलरेडी इससे लॉगिन कर दिया हूँ। यहाँ पे ओके पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे लिख रहा है कि आपको किसी भी प्रकार के इसमें रियायत आपको नहीं मिलेगा, यानी कि कोई भी आपको छूट इसमें नहीं मिलेगा, जो भी किराया हुआ आपको पूरा फुल पेमेंट करना होगा। यहाँ पर अपना पैसेंजर का एड, पैसेंजर पर अपना करके नाम पैसेंजर का एड कीजिए, एज डालिए, मेल फीमेल सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पे अपना एड पैसेंजर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे अपना इंश्योरेंस को यस नो सेलेक्ट कर लीजिए, यस रखेंगे तो और अच्छा रहेगा। नीचे में आप यहाँ पे थ्रू भीम UPI के ऑप्शन को आप सेलेक्ट कीजिए क्योंकि इसमें आपको थोड़ा कम पैसा कटेगा 10 रुपया। ऊपर में यहाँ पर क्लिक करके बुकिंग करेंगे तो आपको पैसा ज़्यादा कटेगा 10 रुपये। नीचे में पे थ्रू भीम UPI के ऑप्शन पर क्लिक कीजिए, रिव्यू जर्नी डिटेल पर क्लिक कीजिए, प्रोसीड टू पे पे क्लिक करना है आपको। पेमेंट मेथड से जो भी तरीका से पेमेंट करेंगे भीम UPI एड्रेस डाल करके आप पेमेंट कीजिए, टिकट आपका बुकिंग हो जाएगा। तो फिलहाल सभी रूट पे नहीं अभी हो रहा है तो जल्दी ये ठीक हो जाएगा, बुकिंग जो है वो चालू हो चुका है। आप अपना रूट में चेक कीजिए कि आपको टिकट जो है बुकिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो बुकिंग पूर्ण रूप से शुरू कर दिया गया है, जल्दी सारे रूट में जो भी समस्या आ रहा है, जैसे रांची हो गया, हावड़ा हो गया, अहमदाबाद हो गया, पटना, ये सब रूट में जो अभी टिकट बुकिंग नहीं हो रहा है। आशा करता हूँ जानकारी से आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए दीजिए नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।